हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बड़ी शॉकिंग एक न्यूज़ दिया। एमएड और बीएड का आपका एग्जामिनेशन स्कीम जारी कर दिया गया है और डेट शीट आ गया कि आपका फाइनल पेपर कब होगा, जो कि यूनिवर्सिटी कराती है। तो आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बीएड और एमएड में बच्चे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फाइनली आपका डेट शीट जारी कर दिया। तो चलिए वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड वालों की एग्ज़ाम्स कब है, कब से शुरू है, कौन सा पेपर कब है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। कि ये आपके लिए विजिबल होगा, आप देख पा रहे होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 बीएड सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 6 तारीख से, दोस्तों नेक्स्ट मंथ में 6 तारीख से आपका पेपर हो गया, 6 जून से आपका पेपर होने वाला है। और पहला, दोस्तों आपको बताया कि पेडागोजी जो सब्जेक्ट है 6 को, अगर आपका साइंस है या कॉमर्स है तो आपका पेपर 6 तारीख को होगा। मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12 की बात की जा रही है। सिमिलरली एक दिन का गैप है, 8 तारीख को आपका नॉलेज सब्जेक्ट पेडागोजी का सेकेंड सब्जेक्ट, अगर आपका बायो मैथ या होम साइंस है तो वो आपका पेपर होगा। और वहीं अगर 11 की बात करें, इसके बाद 3 दिन का गैप है, 3rd डे पेपर है 11 को, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, फिर एक दिन का गैप 13 को, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो आपके शुरू के फेजेस में आपके पेडागोजी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद शुरू होगा आपका कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट का पहला पेपर 15 तारीख को इंक्लूसिव एजुकेशन है और 19 तारीख को स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन है, और एक आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है इनमें से कोई, वो 21 तारीख को है। तो कुछ इस प्रकार से आपका डेट शीट जारी हुआ है। देखो, डेट शीट का कोई ऐसा नहीं है, डेट शीट तो आपके पास होगा ही। अब याद रखिएगा, आने वाले जो डेट्स हैं, खासतौर पे 6 तारीख से पहले, अभी हमारे पास जो 10 दिन का समय है, 15 दिन का समय है, उसमें बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। 2 या 3 वीडियो में हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, जैसे साइंस, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये जो मेन सब्जेक्ट है। अगर ये आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है आपके बीएड में, तो प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़िएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि उस पर अच्छी तैयारी आपकी कराई जा सके, और ज़रूर कराई जाएगी। ऑलरेडी इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के वीडियोस पढ़े हैं, आप देखिएगा, बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए, 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, वो 14 तारीख को पेपर है। तो ये बात हो गई दोस्तों बीएड की, और बीएड का इस तरीके से पेपर होने वाला। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लेट गो करेंगे कि चलो यार पढ़ेंगे, चलो यार पढ़ेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म भरा गए, इंटरनल आपका हो गया होगा, फाइल्स लिखी जा रही है, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है कि आप इसको बर्बाद करें, वेस्ट करें। तो जो भी आपके पास समय बचा है उसको सीरियसली अब तैयारी करने की ज़रूरत है। 6 से पेपर है तो 6 तक तो आप वेट नहीं कर सकते दोस्तों। इसी महीने के जो 10 दिन बचे हैं, आप उसमें ज़बरदस्त तैयारी करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफिनेटली। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, जो भी पीडीएफ्स होगा मैं वहाँ पे भेजूँगा और डेफिनेटली भेजूँगा। और अब मैं सीरियसली पहले सोचता हूँ, पहले साइंस, फिर बायो, फिर मैथ, साइंस के बाद मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इस सारे सब्जेक्ट का आपका पेडागोजी में प्रिपरेशन करा दूँ, और साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा, और इसके वीडियोस तो ऑलरेडी बने भी हैं। तो चलिए, एक छोटी सी सूचना थी बीएड वालों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ाई करते रहिए, शुरू करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से जो हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।